स्वस्थ शरीर रुद्राक्ष प्रदान करता है, स्वस्थ मन स्फटिक प्रदान करता है और भोलेनाथ की शक्ति अमोघ महामृत्युंजय कवच के साथ इस त्रिशक्ति माला में हमने समाहित की है और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में इसे निर्मित नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठित भी किया जा रहा है। इस त्रिशक्ति माला से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ स्वस्थ तन और स्वस्थ मन भी पा सकते हैं। इस माला को परिवार का कोई भी सदस्य धारण कर सकता है। इसे धारण करने के कोई परहेज नहीं है बल्कि इसे धारण करके भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आप अपने और अपने परिवार के लिए इस माला को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। आज के इस कोरोना काल में हर घर में या तो कोई बीमार है या उनके अपने बीमार है जिसकी खबर को लेकर वो मानसिक बीमार जरूर है। आज के दौर में स्वास्थ्य का ख्याल रखने के ज्यादा से ज्यादा या उसके समकक्ष हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम क्या करें कि हमारी जिंदगी शानदार हो जाए, यही कहानी आज एक सीख देगी। प्रिय साथियों, एक गांव था, बड़ा देहात का गांव था, ना कोई मनोरंजन के साधन थे और ना वो कहीं बाहर जाते थे, ना उन्हें दुनिया का कुछ पता था। एक विदेशी नागरिक अपने कैमरे के साथ वहां पर पहुंचता है, उसे देखकर गांव वाले बड़े उत्साहित हो जाते हैं और वो जो चमकीले और अलग तरह के नोट लेकर आया था उसे देखकर गांव वालों को लगा कि ये बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो कोई भी काम उसका फ्री में नहीं करते, हर काम के लिए कुछ ना कुछ पैसे लेते थे। यह देखकर विदेशी नागरिक बड़ा दुखी हुआ और उसे लगा कि इस गांव में कोई एंटरटेनमेंट की चीज ही नहीं। उसने सोचा इन्हें जीवन का आनंद लेने की कला सिखाई जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने उस गांव में एक कला की प्रदर्शनी लगवाई। दूर दूर से लोग पहुंचने लगे, आसपास के गांवों से भी आए। उसने उस प्रदर्शनी में एक आईना भी लगवाया। सभी लोग उस आईने में अपने आप को देखते और हंस हंस के लोटपोट हो जाते, क्योंकि किसी को बाल बनाना नहीं आया, किसी की मूछें टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हम कैसे दिखते हैं। प्रदर्शनी के आखिरी दिन उस विदेशी नागरिक ने सभी को बुलाया। उसने सभी से पूछा, आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी? सभी ने लगभग एक ही समान उत्तर दिया। सभी ने कहा, उन्होंने पहली बार दिल खोलकर हंसने का प्रयास किया है और ऐसी हंसी तो हमें कभी आई नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं बाहर क्या होता है। तब उस विदेशी नागरिक ने कहा, मेहनत जीवन का अंग है, पैसा जरूरत है, लेकिन हंसना जिंदगी का सबसे बड़ा महत्व है। लगातार चलते रहने से आदमी टूट जाता है, इसीलिए जीवन में मनोरंजन होना बहुत जरूरी है। प्रिय साथियों, खेल खिलाकर हंसिए और खूब जोर जोर से हंसिए, अच्छे चुटकले एक दूसरे को सुनाएं, रिसर्च करें ताकि अच्छी कहानियां जो हंसने की हो, घर का माहौल मनोरंजन वाला बना दीजिए। मातम आपके घर में हो ना हो, दूसरों के घर में है ये सोच करके अगला नंबर हमारा ही है। आज क्यों गम में डूब रहे हो, कल आएगा जब देखी जाएगी, लेकिन आज तो हंसी खुशी से निकाला जाए। अभी ठहाके लगाकर हंसिए और एक दूसरे पर ही घर में हंसिए। पति पत्नी पर हंसे, पत्नी पति पर हंसे, सास बहू पर, जो भी हो सकता है वो करिए, लड़ाई झगड़ा मत करना भाई लोगों, यही आज की सीख है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 8 मई शनिवार आज का राशिफल। उम्मीद है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रख ही रहे होंगे। बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हिंदुस्तान में चल रहा है जिसकी जरूरत थी। सुबह सुबह देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, बेवजह बाहर घूमना, मास्क न लगाना, ध्यान न रखना, कोविड गाइडलाइन का पालन न करना। आपका बच्चा बाहर जाता तो है, कहीं ऐसा ना हो कि दोपहर या शाम को लौटे तो कोरोना के साथ लौटे। आपको कोरोना नहीं होगा ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हो गया तो क्या करोगे? जरा उन लोगों से फोन करके आज पूछिए कि उनकी हालत कैसी है, कितना रुपया खर्च हुआ, कितनी ऊर्जा और भविष्य की जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए आप आज और अभी से ही थोड़ा सा मजबूती दिखाइए। ये कुछ दिनों की बात है प्रिय साथियों, इससे बड़े बड़े कष्ट हिंदुस्तान ने झेले हैं, ये कोई बड़ा कष्ट नहीं। जिनके ऊपर गुजरी है उनका तो नहीं कह सकते, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी सांत्वना है, लेकिन जिनके ऊपर गुजरी नहीं है वो लोग तो कम से कम संभल जाएं। चंद सेकंड आप लोगों को चाहूंगा प्रिय साथियों आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। आज शाम को 5:20 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 2:46 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। आज भी ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी योग, आनंद आदि योग, अनफा योग और एक नया योग बन रहा है विश कुंभ योग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का भी लाभ मिलेगा और आज भी चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों,
आज अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, तो वो आपको दो बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। कोशिश करेगा कि सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाए। प्रिय साथियों, जब आज आप 6 राशि का राशिफल देख लेंगे तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के एक विशेष उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि कई बार हम ऐसा बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, ये शांति 3 बार क्यों बोलते हैं? इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। खर्च और कर्ज बढ़ रहे हैं, आपके अपने लिए तो तकलीफ है ही है, आपके अपनों को भी कल तकलीफ आ सकती है, इसलिए जरा संभल के खर्चा करें। कोशिश करें कि आमदनी बढ़ाई जाए, और नहीं चल रहा है कुछ काम तो कैसे शुरुआत की जाए इस पर विचार करिए। बिजनेस में दिन कुछ खास कमाल करने का नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को पूरा करने का। नौकरी में संभावना है कि कुछ परिस्थितियों से आप थोड़े विचलित हो जाएं, आपकी वजह से किसी की नौकरी चली जाए, किसी वजह से आपकी नौकरी पर बना सकती है, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, दो लोगों की जिम्मेदारी आपको मिले, आपको जो काम मिला वो न कर पाए। आप इससे निकलने के लिए हर संभव प्रयास करें, और कार्य क्षेत्र और निजी जिंदगी में आगे के द्वार पर ताले मिल रहे हैं, लेकिन इन तारों की चाबी आपके पास है। हर तरह के तारों को और तालों को खोलने की चाबी आप ही के पास है, और उस चाबी का नाम है परिश्रम और हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क। करियर के मोर्चे पर भी लगभग यही स्थिति बन सकती है। परिवार में अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी यानी लव पार्टनर लाइफ पार्टनर उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और परिवार का सदस्य। कई बार पति पत्नी अपने में इतने मशगूल होते हैं कि अपनी जो बाकी जिम्मेदारियां उसे अनदेखा कर देते हैं, इसे आज ध्यान रखिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स इस कोरोना काल में सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अपनी मेमोरी पावर को कैसे मजबूत किया जाए। इस कोरोना काल में घर रहकर हम कैसे फिटनेस पा सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। सेहत के मामले में आज सतर्क बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। लकी कलर पर्पल, नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन हो, खुशी की खबर जनरेट करेंगे, जिससे परिवार में थोड़ा खुशी का माहौल जरूर बनेगा। व्यापार में किसी योजना के आगे बढ़ जाने से थोड़ा दबाव आपका कम होगा, कहीं से कोई खुशी की खबर मिल सकती है कि हाँ पैसा मिल जाएगा, और जिससे आप मांग रहे हैं, जिसको आपको देना है, वो आपको थोड़ा टाइम दे दे तो आपका टेंशन और दबाव कम हो सकता है। छोटी और मोटी टेंशन से मनोबल कमजोर जरूर होता है, लेकिन प्रयास लगातार करते रहने चाहिए, इससे आप बाहर जरूर आएंगे। वर्क प्लेस पर किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन ठीक है, इसलिए आज श्री गणेश कर लीजिए। नौकरी में आपको कुछ मामलों में अधिकारियों से, सरकारी तंत्र के लोगों से एप्रिशिएशन मिल सकता है। सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, गली मोहल्ले और अपने पराए लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने की जो सलाह आपको दी थी, वो आप बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसीलिए अपनी बात को कहने में झिझक ना करें, और ना ही वो काम करने में झिझक करें जो आपका दिल कहता है कि यार इसकी मदद करनी चाहिए। परिवार में सभी की खोले दिल से मदद करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करें स्टूडेंट, अगर आप अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं देते हैं तो आप किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। इसके डट कर सामना करें हर परिस्थिति का, और डरे नहीं, और अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। इसीलिए पहले से ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर लें और सभी प्रश्नों पर फोकस करें। प्रिय साथियों, आज स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा आपका कमजोर है, लेकिन जो पुरानी व्याधि थी उसमें राहत जरूर मिलेगी। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, सरकारी तंत्र, जो जनता से जुड़ा हुआ काम है, राजनीति, पब्लिक डीलिंग, फ्रीलांसर्स, सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए काम का दिन है। उन्नति के लिए बिजनेस में दिन आपके किसी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने, स्पेशल कुछ स्ट्रेटेजी अपनाने, नया स्टार्टअप करने के लिए एटलीस्ट उसके बारे में सोचने के लिए दिन शुभ है। वर्क प्लेस पर अपने साथियों से पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन सहयोग लेने की अपेक्षा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आपको लगे कि मुझे अब लेने की जरूरत है, वरना दूर रहें। अपने भविष्य को लेकर आप ज्यादा सतर्क रहेंगे और उस चक्कर में आप अपना वर्तमान डिस्टर्ब कर देंगे। आपको कुछ आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। नौकरी में काम की डेडलाइन पूरी करने से या पूरी करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज के दिन में प्रोफेशनल तरीके से सोचिए और एक मोडस ऑपरेंडी तैयार करिए। आज के दिन में कैसे आपको दिन चाहिए उसकी डिजाइनिंग करिए पेपर पे, उसी अनुसार चलते जाइए। काम करने का बढ़िया टाइम टेबल और काम करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके काम को पूरा करवा देगी। परिवार में दुविधाओं में डिसीजन न लें। जब कोई इमोशंस में आ जाए, किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को सुनकर हमने भी डिसीजन ले लिया, नहीं, परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
अपनी अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में लगाने की बजाय उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएंगे तो मजा आएगा। कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको हर प्रकार के वो काम करना चाहिए जो आपको बचा सकता है, आपके अपनों को बचा सकता है। हर काम करिए, स्ट्रिक्ट होना पड़े स्ट्रिक्ट होइए, जान बचाने का समय है, बाकी किसी चीज का कोई इंपॉर्टेंस आज की तारीख में नहीं। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, काम इतना बढ़िया करोगे, वर्कोहोलिज्म, काम करने का नशा आपके भाग्य को चमकाएगा। बिजनेस में आपकी मेहनत और आपका भाग्य आज हो सकता है पूरा साथ न दे, लेकिन आप लगातार स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करोगे तो भाग्य अपने आप ही आपके पीछे चल पड़ेगा। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपको आज बनना है। आर्थिक लाभ की स्थिति बनाने वाला दिन है। सबॉर्डिनेट्स को उनके विचार प्रकट करने से रोकिए मत। नौकरी बदलने का विचार या नौकरी में किसी बदलाव का विचार आपको अवसर देगा जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपने काम और रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाना जरूरी होगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में अगर प्यार की कमी आ रही है तो आज उसे पूरी करिए, दिल खोलकर जिए। परिवार में बड़ों की सलाह अवश्य लें। कोई निर्णय लेने से पहले आपको पूरा सोच विचार, मोडस ऑपरेंडी तैयार करने चाहिए और मेरिट्स और डीमेरिट्स पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो भी आप पाना चाहते हैं वह अवश्य मिलेगा, यह विश्वास आप में होना चाहिए। आप में योग्यता और समय की कोई कमी नहीं है, बस ऊर्जा, योग्यता और समय को सही जगह पर लगाने के लिए जो एकदम टाइमिंग चाहिए उसकी कमी है, उस पर ध्यान दीजिए। सेहत को लेकर दिन मध्यम फलदायी है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 2 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। और आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी काबिलियत है, एटलीस्ट बातचीत करने का ही हुनर है, जिससे आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी की समस्या के समाधान के लिए कुछ बोल सकते हैं, तो जरूर आप ध्यान दीजिए उस पर। बिजनेस पर टेंशन से थोड़ा आपको राहत हल्की सी मिल सकती है, लेकिन जहां से पैसा आने वाला है वो डिले हो जाएगा। जिसको आपको देना है वो कमिटमेंट आपके फेल हो सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के कमिटमेंट देना चाहिए। यह दिन कुछ उथल पुथल वाला भी ऑफिस में हो सकता है, बहुत ध्यान दीजिए। नौकरी में कुछ पूर्व योजनाओं में बाधा आने के कारण मन में बेचैनी हो सकती है। वर्क प्लेस पर समता से यानी अपनी कैपेसिटी से अधिक काम की जिम्मेदारी लेना और काम करना आपके लिए मुसीबत बन सकती है। परिवार में किसी भी काम को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, किंतु आपकी ये मेहनत जल्द ही सफलता आपको दिलाएगी, ये विश्वास आपको होना बहुत जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए आप पुराने एल्बम निकालिए, जहां घूमने गए थे उन बातों को शेयर करिए। उस वक्त जैसे आप एक अच्छा फोटोग्राफ देखेंगे आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे जिस वक्त आपने ये फोटो लिया था। इन हसीन पलों को ताजा करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार फोकस करना आपके लिए अच्छा है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आज हेल्दी रहें, हताश ना हो, जुटे रहिए। आपने या फिर आपने शुरू करने की जो हिम्मत की थी अब उसे एंडिंग तक पहुंचाने की हिम्मत भी आपको ही दिखानी पड़ेगी। नींद न आने की समस्या, बेचैनी, एंग्जाइटी, अज्ञात भय आपको परेशान करेंगे। लकी कलर ग्रीन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ग्रुप डिस्कशन करके कुछ ऐसा करिए, भले 50-100 रुपए ही इकट्ठे करिए, ज्यादा ना कर पाए तो किसी की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। बिजनेस में आपके सामने कम समय में ज्यादा काम करने की चुनौती हो सकती है। चैलेंजेस को पूरा करके टारगेट अचीव करने से कॉन्फिडेंट लेवल या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। वर्क प्लेस पर नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ने का दिन लग रहा है। नौकरी में आपके अपने पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए फोकस अब करना पड़ेगा। परिवार में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आप बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुछ लोगों के लिए मैरिड लाइफ में पुरानी परिस्थितियां छूट सकती है। पुरानी बातों पर अब बात मत करिए, मन में उदासी आ जाएगी नहीं तो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के नई स्ट्रीम की ओर झुकाव बढ़ रहा है। अपनी हॉबीज, अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी से आप फैशन, पैशन, हॉबीज को पूरा कर सकते हैं, उसे जिंदा करिए। कुछ पढ़ने का काम जरूर करिए, अलग तरह की कुछ पढ़ाई करिए, मजा आएगा। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एक विशेष उपाय करते हैं। सुबह की शुरुआत घर में भजन से करनी चाहिए और वो भी स्वस्ति वाचन से। बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दें, यह आदत घर के बच्चों को भी सिखाएं। घर की महिला सभी को चंदन या अष्टगंध का तिलक करें। 5 प्रकार के अनाज पक्षियों को डालें। जिनके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी तकलीफ आ रही है वो लोग स्वयं के हाथों से उत्तर दिशा में नीली बोतल में मनी प्लांट लगाकर रखिए। शाम के समय
हनुमान जी के मंदिर में या घर में ही मंदिर में चमेली के तेल का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करके घर आकर या घर में ही बैठकर परिवार के साथ बड़े सदस्यों के चरण स्पर्श करें और हो सके तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। आप 7 दिन लगातार करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। मानसिक तनाव और एनवायरमेंट, ऐसे लोग जो आपको तकलीफ देते हैं, जिससे आपका अज्ञात भय बढ़ेगा, एंग्जाइटी क्यूरियोसिटी आपकी आज बढ़ने वाली है, तो इसके लिए अज्ञात भय, मानसिक तनाव के लोग और एनवायरमेंट से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। आज जितना साइलेंट रहोगे, एकांत रहोगे उतना अच्छा है। जो लोग इवेंट मैनेज करते हैं उन लोगों के लिए तकलीफ आ सकती है, ऑर्डर या जो इवेंट हो रहे थे वो कैंसिल हो रहे हैं। बिजनेस में दिन आपके लिए अतिरिक्त आय के लिए सोचने के लिए बहुत अच्छा है, सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके आइडियाज और प्लान्स जल्द ही लागू हो जाएंगे, जिस कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए नए सिरे से अपनी प्रायोरिटीज तय करने का दिन है। इनोवेशन प्रायोरिटीज और चैलेंजेस और चेंजेस को खुशी से अपनाएं, आपकी ग्रोथ निश्चित रूप से होगी। परिवार में अपनी योजनाओं को थोड़ा रोकें, जो आप परिवार के लिए कर रहे हैं उन पर फिर से विचार करें, आपको बेटर आइडिया मिलेगा। लव रिलेशनशिप में और लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर में आपको फोकस करना पड़ेगा प्यार, इश्क और मोहब्बत को सिर्फ, लेकिन इसके चलते अपने माता पिताजी और परिवार के अन्य सदस्यों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करें। उनकी तरफ आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, लाइबिलिटीज है, उन कर्तव्यों को जरूर निभाएं। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके प्रयास आज सार्थक रहेंगे। जो करोगे दिल और दिमाग से करोगे, रिजल्ट आपके हाथ में है। परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आप थोड़ी चिंता में पड़ जाएंगे। चिंता वैसे तो चिता के समान होती, इसीलिए चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। लकी कलर गोल्डन, नंबर 8 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कुछ नया सीखना है। कई बार हमारे मन में आता है कि यार ये मुझे आता नहीं, कभी सीखूंगा, किसी से पूछूंगा। किसी से कुछ मत पूछिए, सोशल मीडिया पर सब है, कीवर्ड डालिए, आपको जवाब मिल जाएगा और कुछ नया सीखिए। व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज अच्छा दिन है और प्रोफेशनल तरीके से आप सोचिए और काम करिए, अच्छा साबित हो जाएगा आज का दिन। आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, प्रोफेशनलिज्म को अच्छे से अपनाए रखना सक्सेस की पहली सीढ़ी है। वर्क प्लेस पर आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अनुकूल करने में सफल होंगे। परिवारजनों के साथ खुशियों से भरा दिन बीतेगा। इस दिन कोरोना काल में दैनिक कार्यों के अलावा कुछ ऐसा करने की भी सोचेंगे, जिससे आपके और आपके गरीब लोगों के अलावा सामाजिक रूप से आपको कुछ उद्धार मिलेगा या उद्धार करने का मौका मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने अपने क्षेत्र पर सिर्फ ध्यान दीजिए। आज दोस्तों में, दूसरों में, सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व होकर अपना ही नुकसान करेंगे, इससे बचिए। सेहत को लेकर हल्का फीवर आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। अच्छी नींद लेना, अच्छी चीजें या अच्छी बातों के बारे में सोचना शुभ रहेगा। लकी कलर क्रीम, नंबर 4 शुभ रहेगा। धनुराशि, पारिवारिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और बढ़ी हुई सुख सुविधाओं से अगर आपको लगता है कि इससे आनंद मिलता है तो जरूर लीजिए, वरना जो साधन में सुख खोजता है वो लंबे समय तक नहीं हो सकता। बिजनेस में दिन आपके लिए कुछ मामलों में कॉम्पिटिटर से पीछे रहने वाला है, इससे डरिए और घबराइए मत। अपनी कार्य कुशलता के चलते कार्य क्षेत्र में दूसरों को पीछे छोड़ना चाहेंगे, सही दिशा में पूरी मेहनत करने से ऐसा संभव है। नौकरी में काम करने के मामले में आपको कुछ अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों से भरा दिन रहेगा और याद रखिएगा, चैलेंजेस जिम्मेदारियां ईश्वर उसी इंसान को देते हैं जिसके पास ये काबिलियत होती है, यस हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं, और वो आपके अंदर है। और याद रखिएगा, अगर आपके रास्ते में चुनौतियां आ रही है तो समझ जाओ आप दुनिया बदलने वाला काम अब करने वाले हैं। परिवार की किसी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है तो उसे किसी से शेयर करें जो इसका अनुभवी है, जिससे मन भी हल्का होगा और चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी और हल भी निकल जाएगा। संतान के भविष्य और अपने परिवार के भविष्य को लेकर, फाइनेंस को लेकर थोड़ी परेशानी होने वाली है, समय के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा, पेशेंस रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको उचित न लगे तो प्यार से समझाने की कोशिश करें, अपने बात को थोपना, घर में झगड़े फसाद करना उचित नहीं है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, बस उचित दिशा में उसे लगाने की कमी है, उस पर ध्यान दीजिए। सेहत में सुधार थोड़ा मुश्किल से आएगा। लकी कलर ग्रे, नंबर 2 शुभ रहेंगे। आइए बात करते हैं मकर राशि की। साहस, करेज, एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा। इस निराशावादी जिंदगी में जो आजकल हमें मिल रही है, इसमें से कहीं आशा की किरण आपके जरूर आएगी। बिजनेस में आपके लिए अच्छे परिणाम पाने के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट, डू मोर वाली सिचुएशन रहेगी।
नौकरी में अपनी योग्यता पर विश्वास रखिए, दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए। आप अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेटर करिए। आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, यदि आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो वह योग्यता किस काम की, जरा गौर से सोचिए। वर्क प्लेस पर आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होकर या होता हुआ देख परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। परिवार में अपने रिश्तों के लिए आपको समय निकालने की पूरी आवश्यकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, व्यर्थ की चिंताओं में मिले हुए अवसर को न गवाएं। सेहत के मामले में दिन अच्छा है, बहुत अच्छा आपको बनाना है। लकी कलर पिंक, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, कुछ ऐसा काम जो आपको दिल से सुकून दे, उससे शुरुआत करिए दिन की। देखिए दिन कितना खुशनुमा बन जाएगा। बिजनेस में अपनी बातों या विचारों में अड़ियल ना हो। जब तक आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, तब तक डिसीजन लेना गलत सिद्ध होगा। नौकरी में आपके आइडियाज बहुत सराहनीय होंगे, किंतु उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। इमोशंस में आकर डिसीजन मत लीजिए। वर्क प्लेस पर आपको अपने आसपास के लोगों या टीम के सदस्यों से काफी मदद मिलने वाली है। रिश्तों में दूसरों का नजरिया देखने का प्रयास करेंगे, तभी कोई मसला हल होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में फोन पर या सोशल मीडिया पर मजाक के मूड में रहेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करके आप अपने लिए मुसीबत पैदा करने वाले हैं। सामाजिक सेवा, सोशल काम करके आपको वाहवाही जरूर मिलेगी। ये दिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बहुत शानदार जाने वाला है, बस आप अपने काम पर फोकस करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। मीन राशि, आपका IQ EQ लेवल का डेवलपमेंट होने वाला है, बौद्धिक विकास होने वाला है। पुरानी बातें याद आएगी, कुछ अलग करने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, रिसर्च करने का मन करेगा और हर काम को सोच समझ के करने का मन करेगा। बिजनेस में आपका यही अंदाज, एनर्जी लेवल काफी ऊंचा रहने वाला है और एनर्जी लेवल हाई होने के चलते आप बिना किसी ज्यादा परेशानी की परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण कर लेंगे। नौकरी में आपके लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने का दिन है। वर्क प्लेस पर यदि किसी के लिए मन में कोई कड़वाहट हो तो उसे माफ जरूर कर दें। परिवार से संबंधित व्यर्थ चिंता न करें। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में किसी चीज के प्रति अनासक्ति का भाव मत रखिए, और आसक्ति अगर आप बार बार रखते हैं और एक एक चीज आप चाहते हैं, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, वो आपको आज लाभ दे देगा, कल नहीं देगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिस्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी, बस आप विश्वास रखिए। एक बात याद रखना प्रिय साथियों, परिस्थितियों के अनुकूल बने, क्योंकि धूप लगने पर आप खुद को छिपा सकते हैं लेकिन सूरज को नहीं। आपकी सेहत पहले से बेटर है और कर्म भी अच्छे रहेंगे। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में एक विशेष बात, ओम शांति शांति शांति। ये शांति 3 बार क्यों बोलते हैं, इसका जवाब मैं दे देता हूं। हमारे यहाँ शांति पाठ का वाचन किया जाता है। हर पूजा पाठ और यज्ञ अनुष्ठान के बाद भी शांति वाचन अनिवार्य है। शांति वाचन के अंत में कहा जाता है कि ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति क्यों कहा जाता है? पहली बार शांति का उच्चारण अधिदेव की शांति के लिए। अधिदेव शांति यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी और भी बहुत सारे हैं आदि, जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, वह शांत रहे। दूसरी बार शांति अधि भौतिक शांति के लिए बोला जाता है, यानी दुर्घटना, प्रदूषण, अधर्म और अपराध शांत रहे। तीसरी बार शांति स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी आध्यात्मिक शांति के लिए, रोजमर्रा के जीवन यापन में बाधाओं का सामना न करना पड़े, बाधाएं शांत रहे, इसलिए 3 बार आप भी अभी इसी वक्त बोलिए ओम शांति शांति शांति। प्रिय साथियों, अब एक सवाल के साथ आप लोगों को छोड़े जाता हूं, क्यों श्री कृष्ण को बांके बिहारी भी कहते हैं? आप इस पर रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारिए। आज और कल 2 दिन और है, टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं उपलब्ध हूं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप शिवजी, दीपा जी, कुलदीप जी से संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर अपने दिन को गुजारिएगा। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ शरीर रुद्राक्ष प्रदान करता है, स्वस्थ मन स्फटिक प्रदान करता है और भोलेनाथ की शक्ति अमोघ महामृत्युंजय कवच के साथ इस त्रिशक्ति माला में हमने समाहित की है और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में इसे निर्मित नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठित भी किया जा रहा है। इस त्रिशक्ति माला से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ
स्वस्थ तन और स्वस्थ मन भी पा सकते हैं। इस माला को परिवार का कोई भी सदस्य धारण कर सकता है। इसे धारण करने के कोई परहेज नहीं है, बल्कि इसे धारण करके भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आप अपने और अपने परिवार के लिए इस माला को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं।